अस्सलाम वालेकुम प्रिय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आजम। इंस्टॉलेशन प्लानिंग और एस्टीमेशन के थर्ड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 को जून से स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने बात की थी रिगार्डिंग डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास क्या था पीछे सब स्टेशन है उसके बारे में। सब स्टेशन के अंदर आप लोगों ने देखा था कि सब स्टेशन के अंदर हम लोग हमारे पास क्या थे डिफरेंट टाइप के सब स्टेशन थे, और बेसिकली हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि सब स्टेशन ज़रूरी क्यों होता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर सब स्टेशन पर इस्तेमाल होने वाला सामान और आलात और उनकी दर्जाबंदी पर, इक्विपमेंट और अपरेटस जोन सा यूज़ हो रहा है कहाँ पर, और सब स्टेशन विद देयर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बात कर रहे हैं बस बार की। सबसे पहले हम लोग जब इसको देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि सब स्टेशन पर जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले आलात होते हैं, सामान है, उसके बारे में बेसिकली क्या है मुख्तसर तारफ जो उनसे आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। और साथ में उसकी क्या है दर्जाबंदी की गई है, क्लासिफिकेशन जो उनसे है वो भी इसके अंदर क्या है शामिल है। तो जिस तरह सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा बस बार है, तो बस बार बेसिकली क्या है कि बस बार एक ऐसा कंडक्टर या सलाख होती है जो कि क्या करती है मेन सप्लाई से इसको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है, और इससे क्या होते हैं जो मुख्तलिफ ब्रांच सर्किट क्या है निकाले जाते हैं। बस बार के ज़रिए ही क्या किया जाता है स्विचों और दूसरे आलात को कनेक्शन दिया जाता है। इस बस बार को क्या कहते हैं हम लोग इंसुलेटिंग मटीरियल की मदद से क्या कहते हैं नसब करते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको वैसे इमेज के अंदर भी ये चीज़ जो सी है वो दिखा सकती है। देखिए ये हमारे पास क्या है बस बार, ठीक है जी। तो बस बार के अंदर ये चीज़ क्या है, ये चीज़ शो कर रही है कि ये हमारे पास बस बार है। ये जो चीज़ है नीचे क्या शो कर रही है कि नट बोल्ट है, ये हमारे पास क्या है नट बोल्ट है, और ये क्या है हमारे पास बस बार इंसुलेटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या है आलात हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है कि बस बार की मदद से नसब किया जाता है। अब आप इस सर्किट के डायग्राम के अंदर देखें, ये बेसिकली हमारे पास सिंगल बस बार स्कीम है। तो देखें ये मेरे पास क्या है बस बार है, बस बार के एक साइड पे क्या है हमने आइसोलेटर लगाए हुए हैं, और उसके साथ क्या है हमने सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है। दूसरी साइड पर क्या है कि आइसोलेटर्स हैं उसी तरीके से, और उसके साथ क्या है सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर के साथ क्या है ट्रांसफार्मर्स है, ठीक है। ट्रांसफार्मर्स के बाद अगेन क्या है आइसोलेटर्स हैं, ठीक है, मतलब ये आउटगोइंग फीडर्स हैं कि यहाँ पर से हमारे पास फीडर्स क्या हो रहे हैं बाहर की तरफ निकल रहे हैं। सप्लाई जोन सी है वो बाहर की तरफ क्या हो रही है हम लोग दे रहे हैं आउटगोइंग फीडर्स हैं, हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पर। तो देखें बेसिकली जिस तरह उसने ऊपर बताया है कि बस बार क्या है कि बस बार से हम लोग क्या करते हैं मेन सप्लाई से, इसको देखें ना हमने इसको मेन सप्लाई से क्या किया है जोड़ा हुआ, ठीक है। होप सो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है जी। देन फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर के बस बार की क्या है डिफरेंट किस्म के टाइप्स होती हैं, कनेक्शन के लिहाज से उसकी अकसाम है, ठीक है। कनेक्शन के लिहाज से उसकी अकसाम जो पहली अकसाम है उसके अंदर क्या है कि मेन बस बार है, इसको क्या कहते हैं मेन बस बार को हम लोग HT लाइन से, जो हाई टेंशन हमारी लाइन है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या किया रहता है जुड़ा जाता है या फीड किया रहता है। इस पर क्या होते हैं कि मुख्तलिफ नुमाइशी आलात और रिलेज वगैरह क्या होती हैं लगी होती हैं, क्या होता है जी हमारे पास जो मेन बस बार है उसके ऊपर क्या है तो मुख्तलिफ पैमाइशी आलात और रिलेज वगैरह क्या है वहाँ पर लगाई जाती हैं। ये जो पैमाइशी आलात हैं इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे, और उसके बाद जो रिलेज हैं इनके बारे में भी बात की जाएगी। दैन फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन या ऑक्सिलरीज बस बार। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जहाँ से ज़ाहरी बात है नाम से ज़ाहिर है कि हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं इस वाली बस बार से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ किया गया रहता है कि LT जो हमारे पास लाइट टेंशन लाइन होती है वो उसके साथ जुड़ी जाती है, और इस आलात पर क्या किया जाता है सेलेक्टर स्विच वगैरह क्या किया जाती हैं लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बस बार के अंदर इकसाम आती है इश्काल के लिहाज से, शक्लों के लिहाज से। तो शक्लों के लिहाज से उसके अंदर इकसाम के अंदर क्या है, शक्लों के लिहाज के अंदर उसके अंदर जो इकसाम है उसके अंदर हमारे पास क्या है कि सब स्टेशनों पर इस्तेमाल होने वाली बस बार अमूमन क्या होती है मुस्तकिल शक्ल की होती है, लेकिन गोल भी है, ट्यूब नुमा भी है, गोल ठोस बार भी है, मुरब्बा शक्ल की ट्यूब भी है, बतौर बस बार के तौर पर इस्तेमाल होती है। मटेरियल के लिहाज से बस बार कौन कौन सी बनती हैं, तांबे से भी बनाई जाती हैं, एलुमिनियम से भी बनाई जाती हैं। अब आपको पता होगा कि दोनों जो मटेरियल हैं हमारे पास क्या है वो कंडक्टिव मटेरियल है, तांबा भी क्या है बहुत अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है, इस तरीके से एलुमिनियम भी क्या है अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है।
एलुमिनियम बस बार के, अब बताया रहा है कि एलुमिनियम बस बार के तांबे पर फायदे क्या हैं, कि तांबा के मुकाबले में ये क्या है, एलुमिनियम कम वजन होने के साथ अच्छी इसालियत है, कंडक्टिविटी है, इसालियत है, बराबर करंट कैपेसिटी कम खर्च करता है, जंग से क्या होता है महफूज रहता है। तो बस बार का साइज़ जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बस बार का साइज़ क्या है, कि सब स्टेशन की ज़्यादा करंट गुजारने की सलाहियत पर वोल्टेज ड्रॉप, पावर लॉसेस और दर्जा हरारत, और ऐसी करंट की सूरत में क्या है स्किन इफेक्ट पर होता है जो कि दर्जा है, जबकि इनकी लंबाई 5 या 6 मीटर तक क्या होती है ग्रोथ रखी जाती है बस बार के अंदर। दैन फिर हमारे पास दूसरा जो उसके अंदर आता है, हमारे पास जो इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर डिवाइस, वो है इंसुलेटर, नाम से ही जाहिर है इंसुलेटर हमारे पास क्या है। इंसुलेटर क्या है, जिस तरह आपको पता है कि इंसुलेटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकती, आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इंसुलेटर के बारे में यहाँ पर क्या है कि सब स्टेशन पर अमूमन चीनी मिट्टी के बने इंसुलेटर बने होते हैं, पोर्सलिन मटेरियल आपको याद है। ये इंसुलेटर क्या है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के कंडक्टर और बस बार को क्या करते हैं सहारा देने के लिए इस्तेमाल, बेसिकली क्या है सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सब स्टेशन पर इस्तेमाल वाले इंसुलेटर डिज़ाइन है डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर, पोस्ट टाइप इंसुलेटर है, ठीक है, बुशिंग टाइप इंसुलेटर है, पिन टाइप इंसुलेटर है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, और क्या है स्प्रेन टाइप इंसुलेटर है इसके अंदर। अब यहाँ पर आप अपनी बुक के अंदर भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये पोस्ट टाइप इंसुलेटर के डायग्राम है और ये हमारे पास क्या है बुशिंग टाइप इंसुलेटर के डायग्राम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप इसको एक जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है डायग्राम उसके अंदर से भी इस चीज़ को देख सकते हैं, इंसुलेटर ये है बेसिकली, देखें हमारे पास क्या इंसुलेटर। तो बेसिकली क्या है, इनको हमने यूज़ क्यों किया है, जिस तरह उसको ऊपर उसने बताया है कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं कंडक्टर और बस बार को क्या कर रहे हैं सहारा दे, ये मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या है बस बार्स हैं मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। बस बार जो सी है यहाँ पर इस चीज़ के अंदर, तो वो मगर ये देखें हम लोग क्या कर रहे हैं कंडक्टर को यहाँ पर इस चीज़ के साथ क्या कर रहे हैं अटैच करके क्या कर रहे हैं बेसिकली हम उसको सहारा दे, सही है जी। तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं जो हमारे पास बस बार हैं उसके अंदर से क्या देखें, तो ये देखें इसने यहाँ पर कुछ बताया कि ये हमारे पास क्या है बुशिंग टाइप इंसुलेटर है, ठीक है, ठीक है। तो बुशिंग सबसे पहले क्या है इसके अंदर पोस्ट टाइप इंसुलेटर है, पोस्ट टाइप इंसुलेटर के अंदर क्या है जी कि बस बार को नसब करने के लिए इस इंसुलेटर को क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट टाइप इंसुलेटर क्या होता है, का कोल्स का पोर्सलिन का होता है जिसको चीनी मिट्टी का बना होता है, इसकी कैप क्या होती है कि कास्ट आयरन और बेस कास्ट आयरन जो है वो मटीरियल होता है उसको बनती है, कैप के दरमियान सुराख में चूड़ी बनी होती है और बस बार को डायरा बोर्ड के जरिए लगाया जाता है। यहाँ बस बार की क्लैंप के मदद से इसको क्या करते हैं हम लोग नसब करते हैं। ये देखें ये मेरे पास पोस्ट टाइप इंसुलेटर है, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है कास्ट आयरन कैप है इसकी, ये पोर्सलिन इसकी बॉडी है और ये क्या है इसके अंदर ये कास्ट आयरन बेस है। देन फिर बात आती है बुशिंग इंसुलेटर की, तो बुशिंग इंसुलेटर क्या है कि बुशिंग इंसुलेटर के अंदर भी पोर्सलिन चीनी मिट्टी का ये भी बना होता है और उसका शेल टाइप होता है, ठीक है। इसकी शक्ल अगर देखें तो इससे क्या है थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बेसिकली है ये भी इंसुलेटर और ये भी इंसुलेटर है मगर दोनों की क्या है कि जो इश्कार हैं उनके लिहाज से क्या इनके लिहाज से क्या ये डिफरेंट है, ठीक है जी। तो इंसुलेटर के दरमियान लगे हुए क्या है फ्लिंज में सुराख करने के लिए इसको नट बोल्ट से सके रहता है और यही बोल्ट अर्थिंग के लिए पॉइंट मुहैया करते हैं, ठीक है। अगर करंट रेटिंग क्या है, करंट रेटिंग हमारी 2000 एम्पीयर से ज़्यादा हो तो बुशिंग टाइप इंसुलेटर के जरिए बस बार की इंस्टॉलेशन की जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा करंट इस्तेमाल करवा रहे हैं, ठीक है, करंट रेटिंग 2000 एम्पीयर से ज़्यादा हो तो फिर क्या करते हैं हम लोग बुशिंग टाइप इंसुलेटर क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आता है पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और क्या है इसके बाद स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है ये टाइप्स हैं इंसुलेटर की, देन आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन हुआ इसमें से पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद आती है हमारे पास बारी आइसोलेटर, आइसोलेटर क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या कर रही है आइसोलेट कर रही है हमारे सर्किट को, आइसोलेट कर रही है क्या कर रही है कि बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन की क्या करते हैं जब हम देखभाल करते हैं मुरम्मत करते हैं, ठीक है, इस तरह का काम करना हमें मकसूद हो तो क्या करते हैं कि पावर सर्किट के कुछ हिस्से को हम लोग क्या करते हैं अलहदा करने के लिए आइसोलेटर इस्तेमाल किया जाता है। पहले सर्किट ब्रेकर को क्या करते हैं ऑफ करते हैं, क्यों करते हैं कि बाद में आइसोलेटर से सर्किट को बिल्कुल लग कर दिया जाता है ताकि क्या ना हो सके स्पार्किंग ना हो सके, ठीक है जी। तो आइसोलेटर क्या कर रहा है कि बेसिकली हम आइसोलेटर का इस्तेमाल करके सर्किट को क्या करते हैं जो सप्लाई लाइन है उसे क्या करते हैं अलहदा करते हैं, ठीक है। काम के लिहाज से इसकी एग्जाम में उसकी टाइप आइसोलेटर है, उमूदी वर्टिकल ब्रेक इंसुलेटर है, उसके बाद क्या वर्टिकल पेंटोग्राफ है ये भी इंसुलेटर है, पोल के लिहाज से इसके एग्जाम में सिंगल पोल आइसोलेटर है और थ्री पोल आइसोलेटर है। मैं आपको इसकी सर्किट डायग्राम भी दिखा देता हूँ, सर्किट डायग्राम तो नहीं जो हमारे पास रियल टाइम के अंदर आप इसको कह सकते हैं आइसोलेटर की,
ये हमारे पास क्या है जी, आइसोलेटर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है कि थ्री पोल आइसोलेटर, इस तरीके से सिंगल पोल। बेसिकली ये क्या कर रहा है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं उसको, कि ट्रांसमिशन लाइन की देखभाल और मरम्मत के लिए क्या करता है, आइसोलेटर को इस्तेमाल करवा के कुछ हिस्से को क्या किया रहता है, जो हमारी लाइन है उससे क्या करवाते हैं हम लोग, अलहदा कर देते हैं, ठीक है। तो देन फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है इसके अंदर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या चीज़ है, सबसे पहले सर्किट ब्रेकर क्या है? बताते हैं कि वो आला है जो क्या करते हैं, आम हालात में बरकी सर्किट को महफूज तौर पर जोड़ने और तोड़ने का काम आता है। सर्किट को ब्रेक और क्या करता है, मेक करता है, मेक और ब्रेक का काम करता है। तो ये भी उसी तरीके से गैर मामूली हालात, मसलन शॉर्ट सर्किट वगैरह की सूरत में सर्किट ब्रेकर बरकी सप्लाई क्या करता है, खुद ब खुद मुनक़ता कर देता है। आपको पता है कि सर्किट ब्रेकर आपके घरों के अंदर भी मौजूद है, ठीक है, जो आपका आपके घरों को जहाँ से सप्लाई जा रही है, जो आपका सर्किट बोर्ड है, वहाँ पर क्या सर्किट ब्रेकर मौजूद होते हैं। सबस्टेशन में सर्किट ब्रेकर मज़ेदार काम करता है। सबस्टेशन में वो क्या करता है, फुल लोड करंट को मुसलसल अपने अंदर से गुजारता है। नो लोड सर्किट को खोलना और बंद करना इसका काम है, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेटिंग पर सर्किट को बंद करने और खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट सर्किट सूरत में लाकर आपका मुनक़ता करता है। अब सर्किट ब्रेकर की डिफरेंट किस्म के एग्जाम है, इसमें आयल सर्किट ब्रेकर है, तो इसका क्या काम है आयल सर्किट ब्रेकर का, इसमें तेल जोन सा है वो कनेक्ट्स के खुलने की सूरत में बनने वाले आर को क्या करता है, बुझाता है। आयल है ना, तो आयल क्या कर रहा है, उसको सर्किट को ब्रेक करवा रहा है, आर्क जो बन रही है उसको क्या कर रहा है, ख़त्म करवा रहा है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या है, हवा जो सी है वो ये काम करेगी, उसका नाम से जा रहा है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या है कि वैक्यूम किसको कहते हैं, खला को कहते हैं। तो यहाँ पर वैक्यूम क्या कर रहा है, उस तसलसल को ख़त्म कर रहा है। इसके बाद आता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। ये बेसिकली क्या है, गैस है, SF6 गैस होती है जो कि क्या करती है, आर्क बुझाने के अंदर काम आती है। इसकी डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं, जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर है। तो सर्किट ब्रेकर के लिए यहाँ पर हमारे पास सर्किट ब्रेकर जो सा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली डायग्राम जो से हमारे पास रियल टाइम के अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है सर्किट ब्रेकर है, ये बेसिकली क्या है, ये देखें, ये ऑयल बेस्ड सर्किट ब्रेकर है और ये क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर है। दोनों देखें तो कितने ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑयल इस्तेमाल हो रहा है क्या करने के लिए, वो जो आर्क बनता है ना, जो शोला जिसको हम कहते हैं आर्क बनता है, वो ख़त्म होता है कैसे, ऑयल की मदद से। और यहाँ पर क्या है, ये एयर सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पर अगर सर्किट को ब्रेक करना है तो कैसे करेगा, वो एयर की मदद से, हवा की मदद से क्या करेगा, जो आर्क बन रही है उसको क्या करवाएगा, वो ब्रेक करवाएगा, ठीक है जी। समझ लग रही है आप लोगों को इस चीज़ की। देन फिर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं लोड इंटरप्टर स्विच की। तो लोड इंटरप्टर स्विच बेसिकली क्या है, ये भी एक ऐसा स्विच होता है जो क्या करता है, नॉर्मल वर्किंग हालात में हाई वोल्टेज सर्किटों को मेक एंड ब्रेक, तोड़ने और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। जब सर्किट को तोड़ा जाता है तो उसके कंटैक्ट्स के दरमियान क्या करता है, ज़बरदस्त शोला पैदा होता है। इस शोले को ख़त्म करने के लिए मोमेंट क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो होता है उसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल करवाया जाता है, ठीक है। लोड इंटरप्टर स्विच की मैं आपको डायग्राम यहाँ पर दिखा देता हूँ। लोड इंटरप्टर स्विच बेसिकली हमारे पास उसी तरीके से है जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है पीछे आइसोलेटर। आइसोलेटर बेसिकली क्या करता है, वो भी सर्किट को मेक अलहदा करता है बेसिकली, ठीक है। ये आइसोलेटर है हमारे पास, ये क्या है, ये लोड इंटरप्टर स्विच है, ठीक है। तो लोड इंटरप्टर स्विच भी क्या कर रहा है कि सर्किट को मेक एंड ब्रेक कर रहा है, ठीक है। सर्किट को तोड़ा जाता है तो क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है, उसको अलहदा करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर फ्यूज़ की। फ्यूज़ क्या है जी, मुख्तलिफ सर्किटों की हिफाजत के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह जब किसी आला में किसी इस्तार से ज़्यादा करंट गुजरती है तो क्या करता है, उसके अंदर फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ में क्या होती है, एक तार होती है, फ्यूज़ में लगी हुई तार क्या होती है, पिघल जाती है, जिससे सर्किट क्या हो जाता है, ओपन या ब्रेक हो जाता है और वो आला महफूज हो जाता है। इकसाम के लिहाज से इसकी इकसाम है, लो वोल्टेज फ्यूज़ होते हैं, हाई वोल्टेज फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। लो वोल्टेज फ्यूज़ ज़ाहरी बात है, जिनके अंदर से हम लोग कम वोल्टेज गुजार रहे हैं वो क्या है, वो लो वोल्टेज फ्यूज़ हैं। इस तरीके से हाई वोल्टेज फ्यूज़ हैं, जिनमें से ज़्यादा क्या है वोल्टेज गुजर रहे हैं उनको हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या है, हाई वोल्टेज फ्यूज़ है। यहाँ पर मैं आपको फ्यूज़ की जोन सी या डायरेक्ट ये देखेंगे, हमारे पास फ्यूज़ है, ये देखेंगे इसके अंदर से एक तार गुजर रही है, ये आप नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। तो क्या होता है कि जैसे ही ज़्यादा करंट जोन सी या उसमें से गुजरती है तो फ्यूज़ में लगी हुई ये जो पतली सी तार है, तार क्या होती है, ये बेसिकली पिघल जाती है। तो पिघल जाती है तो क्या होता है, इससे सर्किट हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है। सर्किट क्या हो जाता है, हमारा ओपन स्विच के तौर पर काम करता है, ठीक है। देन फिर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर की। ये भी हमारे पास एक इस्तेमाल हो रहा है, हमारे पास क्या डिवाइस है जो कि क्या है, सबस्टेशन में इस्तेमाल होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर क्या है,
आपको जिस तरह पड़ता है, पावर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला पी इज इक्वल टू वी आई। पावर को कैसे मेजर करतेंगे कि पावर के अंदर हमारे पास वोल्टेज भी शामिल होंगे और क्या है करंट भी शामिल होगा। सबसे पहले पावर ट्रांसफार्मर को देते हैं। पावर ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसी वर्किंग मशीन है जिसका हर सिक्का हिस्सा क्या होता है, साकुन होता है, ठीक है। ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करती है। म्यूचुअल इंडक्शन आपको पता है ना, हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा पढ़ा था, तो आप लोगों को हम लोगों ने उसकी बात की थी बेसिकली, वहाँ पर जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है उसके अंदर, तो वहाँ पर आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा कि ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी साइड होती है, क्या होती है सेकेंडरी साइड होती है, दरमियान में आपने दो लाइनें देखी होंगी बेसिकली। वो चीज़ क्या करें, देखें उनका आपस में किसी भी किस्म का कनेक्शन नहीं होता, प्राइमरी का और सेकेंडरी का, बेसिकली उनके दरमियान क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन मौजूद होती है, जिससे क्या होती है प्राइमरी जोन सा है सेकेंडरी के साथ क्या करता है, जो उसे करंट मिल रही है उसको क्या करता है, शेयर करता है, उसको हम लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, म्यूचुअल इंडक्शन का। तो सब स्टेशन पर उमूमन थ्री फेज ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए रहते हैं। ट्रांसफार्मर को कंक्रीट के बने हुए फाउंडेशन पर लोहे के पटरी के ऊपर नस्ब किया जाता है। मैं आपको उसकी डायग्राम भी दिखाऊंगा। वोल्टेज के लिहाज से अब जाहिर बात है पावर है तो उसके अंदर क्या होगा कि वोल्टेज भी आएगा, ट्रांसफार्मर भी आएगा और करंट ट्रांसफार्मर भी आएगा। तो वोल्टेज के लिहाज से क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या करेगा, ये वोल्टेज को स्टेप अप करके देगा, कम अज कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में दिलकर इस्तेमाल करते हैं इन्हें जनरेटिंग या प्राइमरी सबस्टेशन पर 11 केवी से 132 या 220 या 500 केवी में तब्दील करने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, कम वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं। इसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस तरह नाम से जाहिर है, ये क्या करेगा कि जो ज़्यादा वोल्टेज हैं उनको क्या करेगा, ये कम कर देगा, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, एचटी साइड पर होती है, जो हमारे पास हाई टेंशन साइड है उससे क्या होती है, जुड़ी होती है। उसके अंदर क्या है, 132 केवी ये ज़्यादा हाई टेंशन साइड है, 220 केवी ये भी ज़्यादा है, 500 केवी ये भी ज़्यादा है। इससे बेसिकली क्या है, हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जुड़ा होता है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या करती है, डेल्टा और स्टार में जुड़ी होती है, ठीक है। पीओई के सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था, डेल्टा और स्टार जोन सा बेसिकली। तो बेसिकली जो वाइंडिंग है ना, ये उनकी एक साम है, डेल्टा वाइंडिंग होती है, स्टार वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद फिर बात करते हैं कोर टाइप के लिहाज से, ट्रांसफार्मर की कोर जोन सी होती है, वाइंडिंग जो जिसकी होती है, नंबर ऑफ वाइंडिंग होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं उसे कोर। तो कोर की वाइंडिंग जो होती है वो मतलब थी फ्लक्स जोन सा एक एक ही रास्ता होता है, जिसको अंदर हो या वाइंडिंग बाहर। तो बेसिकली उसके टाइप क्या है कि कोर की बनावट के लिहाज से भी ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। इस तरह शेल टाइप ट्रांसफार्मर है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर का ऐसा ट्रांसफार्मर जिसको जिसकी कोर बाहर और वाइंडिंग अंदर हो और मैग्नेटिक फ्लक्स के दो रस्ते हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेल टाइप कहते हैं। इसके बाद कूलिंग के लिहाज से इसकी एक्साम है, ठीक है। आयल और अमरड सेल्फ कोल्ड है, इसके अंदर आयल अमरड है, सेल्फ कोल्ड एयर ब्लास्ट है, ठीक है। आयल अमरड वाटर कोल्ड है, आयल अमरड फोर्स आयल, बेसिकली ये क्या है, जो आगे चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, सेल्फ कोल्ड, वाटर कोल्ड, फोर्स कोल्ड, एयर फोर्स, सेल्फ कोल्ड, वाटर कोल्ड, ये हमारे पास क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है उसको अगर कूलिंग की बात करेंगे, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग उसको उसके अंदर से कैसे देख सकते हैं कि वो कूल कैसे ठंडा हो सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ उसके लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस्तेमाल। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिसका इसको दूसरा नाम क्या है, हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर भी है, ठीक है। तो ये क्या है, अब यहाँ पर मैं आपको इसकी अगर डायग्राम दिखाऊं, तो हमारे पास क्या है, ये देखें, ये हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, पावर ट्रांसफार्मर। इस तरीके से ट्रांसफार्मर्स क्या होती हैं कि सब स्टेशन के ऊपर क्या है लगे होते हैं, ठीक है। इस ये उनकी क्या है बेसिकली अरेंजमेंट होती है। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, पावर ट्रांसफार्मर है। तो पावर ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी आ जाते हैं, और फिर उनकी जोन सी बनावट है, वो बनावट के लिहाज से कोर बेसिकली क्या होती है, कोर टाइप है। तो कोर टाइप के लिहाज से भी उसकी क्या है, बनावट है, और शेल टाइप के लिहाज से भी उसकी बनावट है, और कूलिंग के लिहाज से भी कैसे आप उसको कूल कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को, उसके लिहाज से भी उसकी क्या है, बनावट है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी होते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि पावर क्या है, पी इज इक्वल टू वी आई। तो उसके लिहाज से अगर आप देखो तो वहाँ पर पावर के अंदर वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी आ रहे हैं, करंट ट्रांसफार्मर भी। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है, वो करंट ट्रांसफार्मर है। अमूमन क्या है, ये सब स्टेशनों पर होते हैं और हाई वोल्ट्स और हाई करंट पर इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, हम लोग इसको पेमाइशी आलात और हफाजती रिलेज वगैरह के लिए वोल्टेज को कम करने, वोल्टेज या करंट को कम करते हैं इसके मदद से। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टमीटर या एम्पीयर मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है।
करंट ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर को यहाँ पर अपनी बुक के ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी उसने इस चीज़ के डायग्राम बना के दिखाई हुई है कि ट्रांसफार्मर क्या है, हाई करंट्स को कम करके पैमाइशी आलात हवा फास्ती रिलेज को सप्लाई मुहैया कर रहे हैं, इसे हाई करंट्स की पैमाइश का कंट्रोल भी कर सकते हैं, इन आलात को हाई करंट से महफूज भी रखा रहता है। करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग मोटी तारों की या एक या दो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग बारीक तारों की ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होती है। प्राइमरी वाइंडिंग को इस लोड के सीरीज में लगाया रहता है जब करंट पैमाइश करना होती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं इंडिकेटिंग जो आलात होते हैं मापने वाले आलात हैं और रिलेज हैं उनके साथ क्या किया जाता है लगाया जाता है। बेसिकली वो क्या सेंसिटिव होती हैं, इसके लिए उसको क्या करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को इसको साथ इसके साथ क्या करते हैं हम जोड़ते हैं मापने जो आलात हैं जो रिलेज हैं उसके साथ। करंट ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग से इसका रेटेड करंट गुजरता है, जितना हम लोग करंट दे रहे हैं ना करंट तो करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से गुजरता है और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से 5 एम्पेयर क्या होती है करंट गुजरती है। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है जी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 380 वोल्ट से ज़्यादा प्रेशर के लिए इंडिकेटिंग और मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या चीज़ है वोल्ट मीटर है वाट मीटर है वाट आवर मीटर है कि पोटेंशियल कॉइल और रिले को फीड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर आम पैमाइशी हालात को इस काबिल बनाते हैं कि हाई वोल्टेज की पैमाइश कर सकें और हालात को हाई वोल्टेज से महफूज भी रख सकें। ठीक है जी, पैमाइशी जो हालात हैं तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग स्विच गियर की मेन बस बार के साथ लगाई जाती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग को पैमाइशी हालात और रिले, यहाँ पर भी क्या है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अंदर हम जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको कैसे जोड़ें पैमाइशी हालात के साथ और रिले वगैरह के साथ जोड़ें। जब प्राइमरी वाइंडिंग को मुकर्रा हाई वोल्टेज मुहैया किए जाते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 120 वोल्ट क्या होता है पैदा होते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इनकी एक्यूरेसी या मुशाबहत की क्लास की बराबर फेजों की तादाद और ठंडा करने के निजाम के नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है जी, होप सो आप लोग इस लेक्चर को समझे होंगे। ठीक है जी, अब ये देखें हमारे पास ये बेसिकली सारी वो अरेंजमेंट है जिसकी हम लोगों ने यहाँ पर बात की। ये हमारे पास बस बार है, बस बार के बाद हम लोगों ने क्या किया आइसोलेटर लगाया, आइसोलेटर के बाद क्या है हमारे पास इसके अंदर सर्किट ब्रेकर लगा, सर्किट ब्रेकर भी क्या है ये भी प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, आइसोलेटर भी क्या कर रहा है ये भी प्रोटेक्शन दे रहा है। देन फिर उसके बाद क्या किया ट्रांसफार्मर लगाया। अब ट्रांसफार्मर की जिस तरह उसने यहाँ पर बताया कि डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, आप ट्रांसफार्मर को एज अ पावर ट्रांसफार्मर के तौर पर ले रहे हैं, यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर भी ले रहे हैं और क्या है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के तौर पर ले रहे हैं। देन फिर क्या होता है कि हमारे पास ऑन गोइंग जो आउट गोइंग जो फीडर्स हैं, जो फीडर्स बाहर निकल रहे हैं जिनसे हम लोग क्या कर रहे हैं कंज्यूमर तक सप्लाई पहुंचाना चाह रहे हैं या सबस्टेशन तक देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होती है ये सप्लाई वहाँ पर पहुँचती है। ठीक है जी, तो होप सो बेटा आप इस चीज़ को समझे होगे। अगर आपको किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग इस चैप्टर के जो मज़ीद हमारे पास जो चीज़ें हैं इसके अंदर से इंडिकेटिंग और पैमाइशी आलात की बात इसके अंदर से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।